आप सभी का फिर से स्वागत। मैं आर्यन और आप देख रहे हैं टेक्निकल। चलिए आज हम बात करने वाले कि हमारे वीडियो की लेंथ कितनी होनी चाहिए, हमें हमारे वीडियो कितने मिनट्स की बनानी चाहिए। तो आज हम इस टॉपिक के ऊपर पूरा डिस्कस करने वाला हूं मैं आपके साथ। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए शुभारंभ करते हैं आज की सबसे ज्यादा शानदार। और दोस्तों ये वीडियो आगे कंटिन्यू करने के पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, ये वीडियो काफी लंबी बन सकती है। क्यों? क्योंकि इसमें मैं काफी सारी कैटेगरीज के बारे में बात करने वाला हूँ यूट्यूब के ऊपर। हर कैटेगरी के बारे में आपको एक परफेक्ट टाइमिंग बताने वाला हूँ। और एक बात आपको, एक बहुत ही खास बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपका आपकी जो ऑडियंस है वो सबसे पहले आपके थंबनेल के ऊपर क्लिक करने के पहले आपके वीडियो का टाइमिंग देखती है कि कितने मिनट की वीडियो, उस हिसाब से वो अपने दिमाग में सोचती है कि इसकी वीडियो, इस वीडियो को हमें देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए। तो इस वीडियो को आप जरूर एंड तक देखिएगा। क्यों? क्योंकि आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल वीडियो होने वाले। तो वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए अब बात करते हैं कि हमारे वीडियो की लेंथ कितनी होनी चाहिए, हमें हमारे वीडियो की कितने मिनट की हमारी वीडियो हमें बनानी चाहिए। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं कि हमारा चैनल कौन से कैटेगरी में आता है। अगर क्या हमारा चैनल टेक में आता है, क्या हम वाइंस में वीडियो बनाते हैं, क्या हमारा चैनल कॉमेडी की कैटेगरी में आता है, क्या फैशन टिप्स या फिटनेस से रिलेटेड हम वीडियो बनाते हैं। इसमें यूट्यूब में काफ़ी सारी कैटेगरीज है चैनल की जिसमें हम हमारी यूट्यूब की वीडियोज बनाते हैं। और सब कैटेगरी का जो मैंने आइडेंटिफाई किया, सब कैटेगरी का एक अपना अपना एक यूट्यूब के वीडियो की मिनिमम और मैक्सिमम लेंथ रहती है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एजुकेशन और मोटिवेशन के टॉपिक के ऊपर। एजुकेशन और मोटिवेशन के टॉपिक, ये दो टाइप के टॉपिक आ जाते हैं, एक सेपरेट स्टडीज से रिलेटेड, या आपको अगर मोटिवेशन चाहिए तो। अगर आप स्टडीज के ऊपर वीडियो डाल रहे हैं, एजुकेशन के ऊपर वीडियो डाल रहे हैं, तो वो लेंथ कम से कम आपकी 5 या 6 मिनट की होनी चाहिए। अगर आप उस सिलेबस बता रहे हैं, अगर आप कोई टाइम टेबल बता रहे हैं, अगर आप करियर एडवाइस दे रहे हैं, तो मिनिमम 8 मिनट बहुत हो गए, नहीं तो मैं तो कहता हूँ 5 या 6 मिनट की वीडियो बहुत हो जाती। क्योंकि करियर ऑप्शन बहुत सारे लोगों के पास टाइम नहीं रहता है इतनी लंबी लंबी वीडियो देखने के लिए। इसलिए मेरा तो मानना यही है कि अगर आप एजुकेशन के ऊपर वीडियो डाल रहे हैं, सिलेबस वगैरह कुछ बता रहे हैं, टाइम टेबल बता रहे हैं, कैसे पढ़ाई करना ये बता रहे हैं, तो इस वीडियो को कम से कम 5 या 6 मिनट की रखिए। क्यों? क्योंकि काफ़ी सारे वीडियोज है इस टॉपिक के ऊपर, काफ़ी सारी करियर एडवाइस मिल जाती है लोगों को यूट्यूब के ऊपर, और लोग सबसे पहले शॉर्ट वीडियो के ऊपर ही क्लिक करना पसंद करते हैं। और शॉर्ट वीडियो ऐसी नहीं कि आपने कुछ भी बता दिया, कुछ ऐसा खास बताइए कम से कम टाइम में कि आपकी वीडियो के ऊपर व्यूज भी आए, लोग वीडियो को शेयर भी करें और सब्सक्राइबर भी बढ़े। अब बात आती है मोटिवेशन में। मोटिवेशन वीडियोस आप थोड़ी लंबी रख सकते हैं, मिनिमम मैक्सिमम 15 मिनट तक की आप वीडियो रख सकते हैं एक मोटिवेशन वीडियो। क्यों? क्योंकि मोटिवेशन लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए। जितना लंबा टाइम तक एक मोटिवेशन दिखता है उतना ही खास रहता है। इसलिए शायद संदीप महेश्वरी जी की वीडियो आधे आधे पौन पौन घंटे की रहती है। क्यों? क्योंकि उनको पता है जब यहाँ पे बैठा हुआ मेरा बंदा मेरे को 2-2 घंटे सुन सकता है, तो वहाँ पे जो यूट्यूब पे मेरी ऑडियंस है वो मेरे को कम से कम आधा घंटा तो सुन ही सकती है। इसलिए तो मोटिवेशन के टॉपिक के ऊपर आप कम से कम 20 से 25 मिनट की वीडियो आप आराम से डाल सकते हैं। अगर आपका एक चैनल अच्छे हाइट्स पे अच्छा चैनल है, अगर लोग सुनते हैं आपकी मोटिवेशन वीडियोस, तो आप 15 से 20 मिनट की अच्छी से अच्छी वीडियो बना सकते हैं। ये हो गया एजुकेशन और मोटिवेशन। तो चलिए बात करते हैं दूसरी फील्ड के बारे में, जो कि आती है कॉमेडी और वाइंस। इस फील्ड के अंदर आपको कौन कितने मिनट की वीडियो बनानी चाहिए। तो मेरा जो ये मानना है कि इस फील्ड में आपका जो वीडियो का जो आप टाइमिंग है, जो आपकी आप कितने मिनट की वीडियो बना रहे हैं, कितनी लंबी वीडियो बना रहे हैं, उसमें इस फील्ड में ऐसा कुछ मैटर करता ही नहीं है, जहाँ तक मेरा मानना है और जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है। यहाँ पे आपका सबसे ज्यादा मैटर करता है कंटेंट, आपकी वीडियो में कितनी ट्रेजेडी है, कितना सस्पेंस है, कितना अपनी कॉमेडी है, कितना क्या है आपके वाइंस के या कॉमेडी के चैनल में। फिर भी अगर हम एक परफेक्ट टाइम की बात करें तो 15 से 20 मिनट की वीडियो बहुत हो जाती है। ये मैक्सिमम और मिनिमम टाइम है, 15 मिनट मिनिमम और मैक्सिमम 20 मिनट। इससे भी आप कम वीडियो बना सकते हैं। अगर आप स्टार्टिंग में शॉर्ट वीडियो बनाते हैं और उसमें अच्छे से अच्छी कॉमेडी, अच्छे से अच्छा कंटेंट लेके आते, इसमें मैं नाम लेना चाहूंगा आशीष चेचानी का। आशीष चेचानी की अगर आप स्टार्टिंग की वीडियो देखेंगे तो वो 2-2, 3-3 मिनट की वीडियो है। उसने स्टार्टिंग में अपना बेस एकदम कॉमेडी के हाई लेवल पे रखा कि कम मिनट कम छोटी वीडियोस बनाए। छोटी वीडियो से क्या हुआ, ट्रैफिक ज्यादा अट्रैक्ट हुआ, लोगों ने जल्दी से जल्दी क्लिक की, चलो 3 मिनट की हंसी मजाक की वीडियो चलो एक बार देख लेते हैं। लोगों को वो वीडियोस इतनी पसंद आए कि उसके सब्सक्राइबर बढ़ते गए। अब आज की डेट में वो अगर 10 से 15 मिनट की वीडियो बनाता है तो लोग उसको वॉच करते हैं, पूरा 15 मिनट तक वॉच करते हैं।
बिना कुछ स्किप किए, ये बात है। और अगर इनमें बहुत सारे क्रिएटर्स हैं, मैं यहाँ पे हर्ष बेनीवाल का भी नाम लेना चाहूंगा, अगर आपने उनकी खिचड़ी नहीं देखी तो जरूर देखिएगा। वो आधे घंटे की वीडियो मैंने देखा नहीं, दो दिन तक नहीं देखा, चलिए आधे घंटे की कौन देखेगा, कौन देखेगा, ट्रेंडिंग नंबर वन पे है, फिर भी मैंने एक दिन नहीं देखी। फिर एक दिन सोचा चलो आधा घंटा आया, थोड़ा टाइम है, चलिए वीडियो चालू तो करते, देखते तो चलिए क्या है कंटेंट उसके अंदर। और मैंने जब वो वीडियो देखना चालू किया, मैंने एक सेकंड भी उस वीडियो को स्किप नहीं किया, इतनी जबरदस्त वीडियो लगी मेरे को वो। और उसी वीडियो की वजह से आज हर्ष बेनीवाल को इतना ज्यादा बूस्ट मिला है, काफी अच्छे सब्सक्राइबर उसके बढ़ते नजर आ रहे हैं। इसलिए वाइंस के अंदर आपका टाइमिंग मैटर नहीं करता, सबसे ज्यादा मैटर करता है आपने क्या उसमें बोला है, आपका कंटेंट क्या, आपने कितना ट्रेजेडी है आपके वीडियो के अंदर, कितना मजा है, कितनी मस्ती है, वो सबसे ज्यादा मैटर। अब करते हैं तीसरे टॉपिक की बात, जो कि है फैशन फिटनेस वगैरह, ये जो चैनल्स आते हैं इनमें आपको शॉर्ट शॉर्ट वीडियो बनाना ही ज्यादा प्रेफर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि लोगों को फैशन फिटनेस के बारे में जानने की काफी ज्यादा गहराई रहती है और काफी ज्यादा क्रेज रहता है कि चलो हमें इस लेप के बारे में पता चल जाए, चलिए मुंह पे लगा के देखेंगे। अगर आपको उस एक रेसिपी को, आप उस एक लेप को बताने में अगर 2 से 3 मिनट लगा देंगे तो या तो वो वीडियो स्किप करेगा, बंदा आपकी वीडियो के ऊपर स्टेबल नहीं रह पाएगा, या तो वो अगर उसको आगे जाके वो रेसिपी या कुछ लेप या कुछ आप चेहरे पे लगाने का, कुछ हाथ पे लगाने का, कुछ और ट्रिक्स टेक्निक्स बता रहे हैं फैशन से रिलेटेड या फिटनेस से रिलेटेड, अगर आप उसको जितना डिले करेंगे वो उतना ही वीडियो स्किप करता जाएगा। और अगर उसको वो आगे जाके पसंद नहीं आते तो वो शायद आपके वीडियो को बीच में ही आधा अधूरा छोड़ के चला जाए और आपको अच्छा खासा वॉच टाइम भी उस वीडियो पे ना मिले। तो फैशन फिटनेस का मुझे ज्यादा इतना नॉलेज नहीं, पर मैंने काफी ज्यादा वीडियोस देखता हूँ मैं भी फैशन फिटनेस से रिलेटेड। तो मेरा तो ये कहना है कि आप एवरेज वीडियो रखिए, 5 से 8 मिनट की वीडियो आप अगर फैशन फिटनेस के ऊपर चैनल खोल रहे हैं तो उतनी ही रखिए, ये सबसे बेस्ट टाइमिंग है, परफेक्ट टाइमिंग है। और अगर आगे जाके आपका चैनल हिट हो जाता है तो फिर आप आराम से 10 मिनट या 15 मिनट की वीडियो डाल सकते हैं। अब बात करते हैं चौथा, जो कि है मेरा फेवरेट टेक्निकल वीडियोस। टेक्निकल वीडियोस में काफी सारे टाइप्स होते हैं, अनबॉक्सिंग वीडियोस, कुछ टेक से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस, जो कि आप लोगों को ज्ञान बांटना चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी के फील्ड में ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, और अनबॉक्सिंग वीडियोस, किसी चीज का रिव्यू कर रहे हैं उसकी वीडियोस। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ अनबॉक्सिंग वीडियो। अनबॉक्सिंग वीडियो रहनी चाहिए 5 से 7 मिनट की। क्यों? क्योंकि लोगों को काफी ज्यादा घाई रहती है, काफी ज्यादा क्रेज रहता है उस प्रोडक्ट को जानने के बारे में। अगर आप अनबॉक्सिंग में काफी ज्यादा डिले करेंगे प्रोडक्ट को अनबॉक्स करने में, उसके बॉक्स के कंटेंट बताएंगे, तो वो वीडियो स्किप करेगा, स्टेबल नहीं रह पाएगा आपकी वीडियो के ऊपर, और आपको अच्छा खासा वॉच टाइम भी नहीं मिलेगा, और शायद में भी चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ जाए, या तो वीडियो को देखना बीच में छोड़ दे, आधा अधूरा देख के चला जाए। तो सबसे मेन बात आती है अनबॉक्सिंग की वीडियो थोड़ी शॉर्ट रखिए, 5 से 6 मिनट की ये वीडियो भी रखिए, क्योंकि प्रोडक्ट को खोलने में ज्यादा टाइम लगता है नहीं, फटाफट आप अगर उसके बॉक्स के कंटेंट बता देते हैं, कुछ चीजें बता देते हैं, 5-6 चीजें बता देते हैं उस वीडियो में, तो काफी ज्यादा फायदेमंद हो जाता है आपके वॉच टाइम बढ़ाने में और व्यूज भी बढ़ने में, और वॉच टाइम भी अच्छा खासा बढ़ जाता है। चलिए अब बात करते हैं जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो, टेक्नोलॉजी के में आपका टॉपिक मैटर करता है। जितना ज्यादा आपका टेक्नोलॉजी के अंदर टॉपिक इंटरेस्टिंग होगा, जितने अच्छे से अच्छे वर्ड्स यूज करेंगे, उतना ही लोग आपके चैनल के ऊपर ट्रैफिक जनरेट होता जाएगा और काफी ज्यादा व्यूज आते जाएंगे, और लॉन्ग टर्म तक लोग टिके रहेंगे उस वीडियो पे एंड तक। अगर वो टॉपिक इंटरेस्टिंग है, लोगों को मजा आ रहा है देखने में, आपकी बातें सुनने में काफी ज्यादा मजा आ रहा है, बीच में आपको थोड़ी कॉमेडी कुछ जोक्स भी मार रहे, तो काफी ज्यादा क्रेज पैदा करती है पब्लिक के अंदर, आपके ट्रैफिक के अंदर, आपके सब्सक्राइबर्स के अंदर, कि वो उस वीडियो को एंड तक देखे। मैं इसमें नाम लेना चाहूंगा, एक मेरे बहुत ही फेवरेट लगते हैं, मुझे बहुत ही प्यारे यूट्यूबर लगते हैं, वो है टेक बर्नर। बहुत जबरदस्त लगते हैं मुझे उनकी वीडियोस, मजा आता है उनकी वीडियो देखने में, आप भी चाहे तो उनके वीडियो जाके देख सकते हैं। स्टार्टिंग के सभी यूट्यूबर के वीडियो थोड़े मीडियम वाले रहते हैं, पर जब उनके पास का चैनल अच्छा ग्रो कर जाता है तो सबकी अच्छी साउंड क्वालिटी, एक अच्छी वीडियो क्वालिटी, सब कुछ अच्छी देखने मिल जाती है। अब बात करते हैं तीसरा जो टेक के अंदर आता है, वो आता है जो मैं बता रहा हूँ, यूट्यूब से रिलेटेड वीडियोस, क्या यूट्यूब पे चल रहा है, आपको यूट्यूब, अगर आपको यूट्यूबर बनना है तो आपको क्या क्या करना चाहिए, ये वीडियोस भी आपको कम से कम 10 मिनट की रखनी चाहिए। ये जो मेरा खुद का, मैंने अभी तक शायद एक भी 10 मिनट की वीडियो बनाई है नहीं, मैं भी मेरा एवरेज टाइम 5 से 8 या 5 से 7 मिनट का ही रखता हूँ, क्योंकि अभी हमारा चैनल नया है, मेरा चैनल नया है, मेरे चैनल पे अभी इतने सब्सक्राइबर्स, इतने जो ट्रैफिक इतना जनरेट खास हुआ नहीं है, तो मुझे वो सबसे पहले ट्रैफिक जनरेट करना। एक बार आपका ट्रस्ट बैठ गया
कि नहीं भाई ये अगर 5 मिनट की वीडियो बना रहा है तो भी बहुत कुछ अच्छा खासा बता रहा है, और अगर 15 मिनट की वीडियो बना रहा है तो भी बहुत कुछ हमें अच्छा खासा YouTube के बारे में सीखने को मिल रहा है। तो सबसे बेस्ट मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप YouTube के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं कि YouTube क्रिएटर को क्या करना चाहिए, YouTube के ऊपर क्या क्या नई अपडेट्स चाहिए, और YouTube के बारे में अगर आप कुछ खास एक्सप्लेन करते हैं तो उस वीडियो को आप कम से कम 5 या 8 मिनट के रखिए स्टार्टिंग में। और अगर आपका चैनल ग्रो कर जाता है, और मैं भी अपने चैनल को ग्रो करने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ, डेली एक वीडियो अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ, और कहीं ना कहीं से अच्छा कंटेंट ला के आप सभी की हेल्प कर रहा हूँ कि आप भी एक अच्छा चैनल क्रिएट करके उसको इतने ज़्यादा हार्ड कॉम्पिटिशन के जमाने के अंदर, स्पेशली यूट्यूब में, आप उस चैनल को, अपने चैनल को ग्रो कर पाए। तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरे इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। तो चलता हूँ, मिलेंगे कल एक और ऐसी शानदार वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।